नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। बाघों के कुनबे को बढ़ाने में मिली सफलता के बाद अब इसी तर्ज पर लगभग लुप्त प्राय में पहुंच चुके हिम तेंदुए को भी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। 3300 मीटर से लेकर 6700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इस जानवर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा समय में करीब 12 देशों में हिम तेंदुए की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, तकरीबन 12 देशों में पाए जाने वाला ये जीव अब कुछ हजार की गिनती में ही बचा है। हिम तेंदुए को पर्वतीय क्षेत्रों के इकोसिस्टम का एक सिंबल माना गया है। अगर इसकी तादाद बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि क्षेत्र का इकोसिस्टम भी स्वस्थ है। भारत में लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हिम तेंदुआ पाया जाता है। खासकर हिमालयन के क्षेत्र में जो सिक्योर हिमालयन की जो आजकल ये वो चला हुआ कि बर्ड लाइफ को हमारा स्नो लेपर्ड को बचाना है, उसके बारे में हम अभियान पहले से भी शुरू था। आज भी हम इस कार्यशाला में भी हमने भाग लिया। हमें प्रशासन ने काफ़ी मुझे वो किया कि आप दिल्ली जाके वो बताए जहाँ आपने काम किया है। मैंने अपना बेली में एक ड्राई एरिया है लाहौल स्पीति का, सबसे मतलब दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे हमने काफ़ी प्लांटेशन भी किया है। साथ में हमारा इर्द गिर्द जो एरिया में है स्नो लेपर्ड और वर्ल्ड लाइफ काफ़ी तादाद में हमारा वहाँ पे मौजूद है। हम उसकी रक्षा करने के लिए हमारा एक कमेटी भी बनाया हुआ है और पर्यावरण कमेटी हमारा जो एंजल्स है, हम इसी को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और पहले से कुछ इनका काफ़ी बढ़ने का आसार है, क्योंकि वहाँ पे स्नो लेपर्ड के एरिया में पहले तो काफ़ी हो गए थे, अभी कुछ बढ़ने का मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पे भी जंगलों में भी ड्राई एरिया है, वहाँ भी प्लांटेशन किया है, क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ और वो काफ़ी तादाद में पहले कम हो गए थे, अभी हम प्लांटेशन भी एंजॉय के साथ मिल करके काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हम मेडिसिन प्लांट को भी बचा रहे हैं और लाहौल स्पीति में लोगों को जागरूक, पूरा हिमाचल प्रदेश में भी हमने वहाँ पे जाके हम लोगों को जागरूक वर्कशॉप कराते हैं। और खासकर हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि पर्यावरण सुरक्षा समिति की ओर से हम पूरा वर्ल्ड लाइफ को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उनको बढ़ावा देने के लिए मैं पूरा दिन रात काम करूँगा। हिम तेंदुए का वजन सामान्यतः 27 से 55 किलोग्राम के बीच होता है। इनका रंग हल्का भूरा होता है और वातावरण के अनुसार इसके शरीर पर स्लेटी और काले धब्बे होते हैं। हिम तेंदुआ ऊबड़ खाबड़ चट्टानी इलाकों में रहना पसंद करता है और 85 सेंटीमीटर बर्फ में भी आसानी से चल सकता है। इसका असर भी देखने को मिला है। विशेषज्ञों के मुताबिक लद्दाख में अब 500 से 600 की तादाद में हिम तेंदुए हो गए हैं, जो कि एक सकारात्मक संदेश है कि यहाँ के लोग फिर से पर्यावरण के साथ रहना सीख रहे हैं। People from that area are dislocated, thinking that these people will create problem, they will destroy the wildlife, so therefore they need to be dislocated. But in places like Ladakh, people are not only living with the wildlife and they are protecting the wildlife. Only through coexistence and through alternate livelihood, using so many multi-pronged strategies, not one strategy that you can, you know, conserve. You have to use so many strategies, like, you know, so not to use the natural resources, you have to give alternate energy, like renewable energy. You have to give them, you have to conserve water, you have to conserve land, you have to conserve the whole landscape. Only then, you know, and reduce the number of livestock depending on the this posture. Otherwise, there's a competition between wildlife and livestock. So once you reduce this kind of a competition, so then wildlife prosper. In wildlife prosper, similarly, then the snow leopard, that is a key species, is also prosper. So that is the example that Ladakh shows to the world, and Ladakh has been doing extremely well when it comes to snow leopard conservation. पिछले दिनों राजधानी में भी हिम तेंदुए को लेकर इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रूस, किर्गिस्तान, नेपाल और मंगोलिया समेत भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में हिम तेंदुए की आबादी के आकलन के लिए पहला प्रोटोकॉल भी जारी किया था
उन्होंने बाघों की तरह हाईटेक तरीके से हिम तेंदुए की गणना शुरू करने के लिए एक सहमति दी है। इकोसिस्टम का अर्थ है उस क्षेत्र से जहां सभी जीव, जीव जंतु, पौधे आदि शामिल हैं। ये सभी जीव पर्यावरण में आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए निवास स्थान और भोजन का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि भारत के अलावा हिम तेंदुए की मौजूदगी में नेपाल, मंगोलिया, रूस, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भूटान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा म्यांमार भी इसकी मौजूदगी का दावा करता है। विज्ञान से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।